हेलो राइडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज अपने साथ है पल्सर की दो लेजेंड बाइक। आप देख सकते हैं फ्रेम में खड़ी हुई अपने सामने, एक है पल्सर की NS160 और दूसरी है पल्सर की N160। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है और करेंगे इसका दोनों बाइकों का कंपेरिजन। मैं आपको बताऊँगा एक एक चीज़ इसमें क्या क्या चेंज है और क्या क्या इसमें आपको किस प्राइस रेट पर ये बाइक आपको मिल रही है एक शोरूम, एंड क्या क्या इसमें कंपेरिजन है। तो चलते हैं बाइक के पास। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लुक की, तो आप देख सकते हैं दोनों बाइक अपने सामने खड़ी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे N160 के लुक की, तो आप देख सकते हैं अगर NS से कंपेयर करें N160 के लुक का, तो आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी एजी और काफ़ी एग्रेसिव लुक आपको देख मिलेगा N160 का लुक। वहीं पर अगर NS की बात करें, तो NS जो बाइक है अपनी, वो काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में, काफ़ी टाइम से बजाज NS 160 अपनी ला रहा है काफ़ी टाइम से। एंड अगर वहीं पे बात कर N160 की, तो ये अभी बजाज ने हाल ही में इस बाइक को लॉन्च किया है। बट अपडेट की अगर बात करें, तो NS में भी अपडेट आ चुका है और आपका N160 में भी अपडेट आ चुका है। तो अगर बात करते हैं NS की, तो सबसे पहले अगर देखते हैं इसका फ्रंट, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा अपडेट कंपनी ने किया है। तो इसकी हेडलैम्प में सबसे बड़ा अपडेट किया है कंपनी ने। जो ओल्ड वाली NS थी, उसमें आपको हैलोजन मिलता था, बट इसमें अब आपको LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। एंड अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स की, तो इसमें आपको LED का सेटअप देखने को मिलने वाला है। और जो ओल्ड वाली NS थी, उसमें आपको हैलोजन के इंडिकेटर्स मिलते थे। एंड वहीं पे अगर बात करें N160 की, तो उसमें भी यही चीज़ है। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें, तो इसमें भी आपको LED मिलेगा। एंड अगर बात करते हैं दोनों बाइक में अगर सस्पेंशन की, तो दोनों फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करते हैं, तो दोनों में आपको USD फोर्क देखने को मिल रहे हैं। अगर NS की बात करें, तो इसमें आपको अप एंड डाउन USD फोक्स मिलेगा, जो कि ग्रे कलर में है। एंड वहीं पे N160 की अगर बात करें, तो इसमें आपको गोल्डन कलर के देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन दोनों में सेम साइज़ के हैं और सेम सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर बात करें डिस्क की, तो आप देख सकते हैं गाइस डिस्क भी आपको सेम मिलने वाली है। एंड अगर बात करें इसके रिम की, तो वो भी आपको सेम मिलने वाला है। लुक काफ़ी चेंज है NS से N160 का। सो बस बाइक है अभी, वो आप देख N160 जो अपने पास है, वो अपने पास है वाइट कलर में। तो उसका वाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड ग्राफिक्स भी। और ये अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है बजाज ने, 2024 का ये मॉडल है। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स इसके, आपके न्यू वाले ग्राफिक्स हैं। 160 आपको दिख रहा होगा, ग्राफिक्स की बात करें, तो वो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स इसमें लग रहे हैं। एंड वहीं अगर बात करते हैं NS की, तो आप देख सकते हैं जो अपने पास NS अभी अपने पास अवेलेबल है, वो आपका बुलेट रेड में है। एंड आप देख सकते हैं इसे ग्राफिक्स में आपको दिखा दूँ, सो इसके ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं 160 आपको दिख रहा होगा। एंड टैंक आप देख सकते हैं, इसमें आपको 3D में पल्सर का लोगो दिखने वाला है। और फ्रंट की बात करूँ N160 के, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलने वाला है, दो DRR आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें इन दोनों बाइक्स के इंजन की, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले अगर बात करेंगे N160 के इंजन की, तो इसमें आपको 165cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 4-valve 4-stroke FI इंजन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि एयर कूल्ड है। सो वहीं पे अगर बात करते हैं NS के इंजन की, तो अगर इसके इंजन की बात करें, तो इसमें आपको एयर कूल्ड के साथ इसमें आपको ऑयल कूल्ड की टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। एंड जो इसके CC की बात कर लें अगर, तो इसमें आपको 160cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर दोनों बाइक के इंजन के पावर की बात कर लें, तो अगर हम N160 के पावर की बात करें, तो ये इंजन आपको जो पावर निकाल के देता है, वो समथिंग 16 PS की पावर आपको इसमें मिलने वाली है। एंड इसके टॉर्क की बात कर लें, तो वो तकरीबन 14.5 NM का टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर NS की बात करें, तो अगर NS की बात करते हैं, तो NS का जो PS पावर है, वो समथिंग 17.2 है। एंड जो इसका टॉर्क है, वो भी 16.5 के आसपास इसको आपको देखने को मिलेगा। तो अगर पावर की डिफरेंस की बात करें, तो पावर डिफरेंस में 1 BHP का इसमें डिफरेंस है। आप देख सकते हैं NS 1 BHP आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो यही रीज़न हो सकता है कि ये हाई रेफ इंजन है, तो इसमें आपको ऑयल कूल मिलेगा, और ये जो आपका इंजन है, ये उतना हाई रेफ इंजन नहीं है। तो यही रीज़न है, इस वजह से NS का जो टॉप एंड है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड N160 से इसका टॉप एंड काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो ये डिफरेंस है इंजन में। एंड अगर बात करें लुक की, तो लुक में काफ़ी डिफरेंस है दोनों बाइक में। और चलते हैं पीछे रेयर सेक्शन पे, मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं रेयर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊँ, तो मुझे N160 काफ़ी अच्छी लगती है लुक वाइज। और वहीं पे अगर NS की बात करें, तो NS का जो लुक है रेयर सेक्शन से, तो जो ओल्ड वाला NS का लुक था, उसी की तरह लुक है। कंपनी ने रेयर सेक्शन में ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं किया है, बस इंडिकेटर्स अपडेट है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर LED में है, और इसमें भी आपको LED में मिल रहा है।
और इसमें भी टायर है अगर, इसमें भी टायर अगर, गाइस अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो दोनों में सेम साइज का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा। और अगर डिस्क की बात करें तो दोनों में आपको रेयर में भी आपको डिस्क देखने को मिलने वाली है, और साथ ही दोनों डुअल चैनल एबीएस के साथ आ रही है बाइक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब जो बजाज बाइकें लॉन्च कर रहा है तो ज़्यादातर बाइकों में आपको डुअल चैनल एबीएस, सिंगल चैनल एबीएस आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अगर बात कर लें सस्पेंशन की तो दोनों में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है, उसमें भी आप देख सकते हैं रेड कलर का, इसमें भी आपको रेड कलर का मोनोशॉक मिलने वाला है। तो गाइस दोनों में, दोनों जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो एडजस्ट वाले हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों सस्पेंशन को अपने हिसाब से आप हार्ड एंड सॉफ्ट पे कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों बाइक में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें साइड प्रोफाइल की तो सारी गार्ड मिलता है, बट लेडीज फुटरेस्ट में आपको नहीं मिलता है, इसको आपको लगवाना पड़ेगा। वहीं पे आपको N160 में आपको उसमें लेडीज फुटरेस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अगर बात करते हैं दोनों बाइक की हाइट की, सीट हाइट की, तो आप देख सकते हैं मुझे N160 की सीट हाइट कम लग रही है, वहीं NS के अकॉर्डिंग NS की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर सीट की बात करें तो दोनों आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलने वाली है, NS160 हो और N160 हो, दोनों पे आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है। और साथ ही ग्रेवल की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइस दोनों में स्प्लिट ग्रेवल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है लुक में, तो काफ़ी चेंज है दोनों बाइक में। और अगर बात करें इसके टैंक कैपेसिटी की तो उसमें भी काफ़ी चेंज आपको दिखने वाला है। टैंक आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा ह्यूज और वाइड टैंक आपको दिखेगा, इसमें आपको थोड़ा स्मॉल टैंक आपको दिखने वाला है। अगर दोनों बाइक की टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है, और साथ ही ये जो N160 का टैंक है वो आपको मेटल में मिलता है, वहीं पे NS का जो टैंक है वो आपको फाइबर बॉडी में मिलने वाला है। और जो इसके फ्लैट पैनल है वो फाइबर के हैं, और NS के जो ये पूरा टैंक का जो पूरा सेटअप है वो फाइबर का आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अगर बात करता हूँ दोनों बाइक में आपको USB चार्जिंग का पॉड मिलने वाला है। और अगर आप बात करें इसके हैंडल बार की तो इसमें आपको जो पाइप वाला हैंडल बार है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, वहीं पे आपको NS160 में क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलने वाला है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे क्लिप ऑन हैंडल काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर बात करते हैं दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्या क्या आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, तो मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ। सबसे पहले बात करेंगे N160 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आप देख सकते हैं अब ये फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, और ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आने वाला है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आपको देखने को मिलने वाला है, और बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही में जो N160 इसमें आपको तीन मोड मिलने वाले हैं, जो कि रेन मोड, ऑफ रोड मोड और रोड मोड, तो इसमें ये आपको तीन मोड के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पर अगर बात करते हैं NS के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आप देख सकते हैं ये भी आपको फुल्ली डिटेल आपको देखने को मिलने वाला है, और साथ ही इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलने वाला है, बट इसमें कोई आपको मोड देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शिफ्टिंग की लाइट भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा एजी आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कॉर्नर आपको निकले हुए दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा एजी और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वहीं पर अगर N160 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो एकदम सिंपल फ्लैट आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, तो ये डिफरेंस आपको इन दोनों बाइक में देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर दोनों बाइक के एग्जॉस्ट की बात करें तो दोनों बाइक के एग्जॉस्ट जो है वो अंडर बैली आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी आपको अंडर बैली और यहाँ पर भी आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही में दोनों में आपको डुअल स्टैंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। गाइस मैं आपको दिखा दूँ इन दोनों बाइक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो NS में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल्फ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किक देखने को मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें किक देखने को मिल रही है। बट वहीं पे अगर N160 की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे किक देखने को नहीं मिलने वाली है, तो ये डिफरेंस इन दोनों बाइक में लगा। और अगर दोनों बाइक के गियर ट्रांसमीटर की बात करें तो दोनों 5-speed गियर बॉक्स के साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। और वहीं पे अगर मैं आपको बता दूं दोनों का माइलेज कितना है, एवरेज कितना है, सो गाइस अगर दोनों बाइक के KMPL की बात कर लें तो आपको कितना KMPL मिलने वाला है, जिस तरह का दोनों का टैंक कैपेसिटी सेम है उसी तरह का दोनों के जो KMPL है वो भी लगभग सेम है। तो अगर मैं N160 की बात करूं तो ये आपको 51 KMPL का दे देगी एवरेज, और वहीं पे मैं आपको बात करूं NS160 की तो ये आपको 50-45 समथिंग आपको इसका भी KMPL देखने को मिलेगा, और वहीं पर इसका भी 50-45 आपको KMPL देखने को मिलेगा जो कंपनी क्लेम करती है। बाकी आप रोड पर क्या KMPL निकाल लीजिए वो आपको
जब आप रोड पर राइड करेंगे तभी पता चलने वाला है। डिफरेंस और है दोनों बाइकों में, दोनों बाइक्स में मैं बता दूँ आपको, वो है सबसे बड़ा डिफरेंस के क्लच का। तो अगर दोनों के क्लच की बात करें तो इसमें आपको स्लीपर क्लच आपको इसमें देखने को मिलता है, बहुत काफ़ी सॉफ्ट साइड पे इसका क्लच आपको देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे अगर NS की बात करें तो वो थोड़ा सा क्लच इसका हार्ड है। सो गाइस थोड़ा सा हार्ड आपको इसका क्लच देखने को मिलेगा और N160 का जो क्लच है वो काफ़ी सॉफ्ट साइड पे। तो ये डिफरेंस और इन दोनों बाइकों में मिलने वाला है। और साथ ही अगर दोनों बाइक के इंजन कॉल की बात कर लें तो आप देख सकते हैं N160 का जो काउल है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी एजी काउल आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर NS की बात करें तो उसका जो काउल है वो काफ़ी छोटा सा आपको काउल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों बाइक। सो गाइस अगर बात करते हैं दोनों बाइक के प्राइस की, तो अगर मैं बात करूँ N160 के प्राइस की तो ये आपको ऑन रोड आपको पड़ने वाली है 1,72,000 की आपको ये पड़ने वाली है ऑन रोड N160। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ NS के प्राइस की जो कि आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 1,81,000 की समथिंग आपको ये पड़ने वाली है ऑन रोड। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो समथिंग 8,500 का दोनों बाइक में डिफरेंस है प्राइस में। आप देख सकते हैं दोनों बाइक का जो डिटेल्स थी मैंने आपको दे दी और दोनों का जो कंपैरिजन था मैंने आपको बता दिया इस बाइक में क्या है, इस बाइक में क्या है। सो अगर आपको ये बाइक दोनों बाइक को अगर टेस्ट बाइक लेनी है तो वो आप आ सकते हैं। हम लोग जिस शोरूम पर हम लोग हैं वो SRM मोटर्स है जो कि आपका भूतनाथ लेखराज मार्केट के पास पड़ता है, वहाँ पे आप आके दोनों बाइक अवेलेबल हैं और दोनों बाइक का टेस्ट राइड ले सकते हैं एंड इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर जो आपको कोई क्वायरी हो। सो अब मिलते हैं आपसे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।